सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, इसका नाम है दोपहर का भोजन, जो कि अमरकांत जी ने लिखी है। अमरकांत जी एक बहुत ही सुलझे हुए कहानीकारों में जाने जाते हैं। हिंदी साहित्य में आपका स्थान शीर्ष स्थानों पर रखा जाता है। आपकी प्रमुख रचनाओं में मौत क्या नगर, सूखा पत्ता, दीवार और आंगन प्रसिद्ध हैं। इस कहानी में मध्यवर्गीय परिवार के संघर्षमय जीवन का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है, जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जीवन कितना कष्टमय है, कितना संघर्षमय है। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। सिद्धेश्वरी, जो कि इस कहानी की नायिका है, खाना बनाने के बाद अपने चूल्हे को ठंडा कर देती है और दोनों घुटनों के बीच सिर रखकर अपनी ही उथल पुथल में, अपने ही सोच में मगन है। पैर की उंगलियों से ज़मीन को कुरेदती रहती है, चीटे चीटियों को आते जाते देखती रहती है। अचानक ही उसे एहसास होता है कि उसे तो बड़ी प्यास लगी है। वह बांवरी सी, मतवाली सी उठती है और एक लोटा भर पानी लेकर गटगट पी जाती है। खाली पानी पीने से जैसे उसके कलेजे में चोट सी लग जाती है और वह हाय राम कह करके वहीं ज़मीन पर गिर पड़ती है। आधे घंटे तक वह वैसी ही पड़ी रहती है। थोड़ी देर के बाद जब उसकी जान में जान आती है, वो उठती है, इधर उधर देखती है। उसकी नज़र उस टूटे खटोले पर पड़ती है जिस पर उसका 6 वर्ष का बेटा प्रमोद सोया हुआ है। लड़का नंग धड़ंग है, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है। उसके गले और छाती की हड्डियां तक साफ दिखाई पड़ रही हैं। हाथ पैर ऐसे लगते हैं जैसे ककड़ी के समान सूख गए हैं, बेजान से पड़े हुए हैं, सिर्फ सांसें चल रही हैं और पेट एक हंडिया की तरह फूला हुआ है। उसका मुंह खुला हुआ है जिस पर अनगिनत मक्खियां भिन भिन आ रही हैं। वह उठती है, बच्चे का मुंह थोड़ी देर तक देखती है, फिर उस पर एक अपना फटा हुआ गंदा सा ब्लाउज डाल देती है। थोड़ी देर तक उसे देखती रहती है, फिर इसका ध्यान दरवाजे की ओर जाता है। जाती है, दरवाज़ा खोलती है और गली की ओर निहारने लगती है। 12 बज चुके हैं, तेज़ धूप, चिलचिलाती हुई धूप, एक आध इंसान ही कोई दिखाई पड़ता है। जो जा भी रहा है वो या तो तौलिए से अथवा गमछे से अपना सिर ढके हुए, अपना मुंह ढके हुए, मजबूती से छाता ताने हुए फुर्ती से चलता जाता है। 10-15 मिनट तक वह उसी तरह खड़ी रहती है। एक दो क्षण इंतजार करने के बाद वह अपना सिर दरवाजे से थोड़ा और आगे बढ़ाकर गली के छोर तक निहारने का प्रयत्न करती है। तभी उसको अपना बड़ा लड़का रामचंद धीरे धीरे घर की ओर सरकता नजर आता है। वो जल्दी से अंदर आती है और एक लोटा पानी और खाने के लिए चौकी बिछा कर रख देती है। चौके में आकर खाने का स्थान को जल्दी जल्दी पानी से लीपने पोतने लगती है। वह पीढ़ा रखकर अपने सिर को दरवाजे की ओर घुमाती है कि तभी रामचंद के कदम अंदर आते हुए दिखाई पड़ते हैं। रामचंद आकर धम्म से चौकी पर बैठ जाता है, फिर वहीं बेजान सा लेट जाता है। आखिर धूप जो इतनी तेज़ है, उसका मुँह लाल हुआ है, उसके बाल अस्त व्यस्त हैं, फटे पुराने जूतों पर गर्द जमी हुई है। सिद्धेश्वरी की पहले तो हिम्मत नहीं होती कि उसके पास जाए। वह भयभीत सी चुपचाप उसे निहारती रहती है। लगभग 10 मिनट तक इंतजार करने के पश्चात भी जब वह नहीं उठता तो वह घबरा जाती। आखिर माँ है ना, चिंता होती है बच्चों की। पास जाकर पुकारती है, बड़कू बड़कू, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिलता। लड़के की नाक के पास हाथ रखकर देखती है, कहीं बुखार तो नहीं आ गया, कहीं धूप तो नहीं लग गई। फिर देखती है, नहीं नहीं, सांसें तो ठीक चल रही हैं। फिर सर पर हाथ रखकर देखती है, बुखार तो नहीं है। हाथ के स्पर्श से ही रामचंद्र की आंखें खुल जाती हैं। पहले उसने माँ की ओर सुस्त नज़रों से देखा, फिर झट से उठ जाता है। जूते निकालते हुए नीचे रखे लोटे के जल से हाथ पैर धोने के बाद वह यंत्र की समान, मशीन की समान चौकी पर जाकर बैठ जाता है। सिद्धेश्वरी थोड़ा डरते हुए पूछती है, खाना तैयार है, यहीं लगा दूं क्या?
रामचंद्र ने उठते हुए प्रश्न किया, बाबूजी खा चुके क्या? सिद्धेश्वरी ने चौके की ओर भागते हुए उत्तर दिया, आते ही होंगे। रामचंद पीढ़े पर बैठ जाता है। उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष की है। लंबा, दुबला, पतला, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आँखें। वह एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में प्रूफ रीडरी का काम सीखता है। पिछले साल ही उसने इंटर पास किया था। सिद्धेश्वरी ने खाने की थाली सामने लाकर रख दी। पास ही बैठकर पंखा झलने लगी। माँ है ना, बच्चे की तकलीफ देखी नहीं जाती। रामचंद्र ने खाने की ओर दार्शनिक की भांति देखा। कुल 2 रोटियाँ, भर कटोरा पनियाई दाल और चने की तली तरकारी। रामचंद्र ने रोटी का प्रथम टुकड़े को निगलते हुए पूछा, मोहन कहाँ है? बड़ी कड़ी धूप हो रही है। बड़ा भाई हमेशा छोटे भाई बहनों की बहुत चिंता करता है। मोहन सिद्धेश्वरी का मझला लड़का है। उम्र 18 वर्ष थी और वह इस साल हाई स्कूल का प्राइवेट इम्तहान देने की तैयारी कर रहा है। वह नामालूम कब से घर से गायब था और सिद्धेश्वरी को स्वयं पता भी नहीं कि वो कहाँ गया है। किंतु सच बोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी और न ही मन था। वो नहीं चाहती थी थके मांदे बच्चे से कुछ ऐसा कहे जिससे उसे और दुख हो, इसलिए वो कहती है, वो पढ़ने गया है अपने दोस्तों के घर, अभी आता ही होगा। दिमाग उसका बहुत तेज़ है और खूब पढ़ता है, तुम चिंता मत करो उसकी। उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में लगी रहती है, हमेशा उसी की बातें करता रहता है। रामचंद्र ने कुछ नहीं कहा, एक टुकड़ा मुँह में डालकर भरा गिलास पानी पी गया, फिर खाना खाने लगा। वह काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर धीरे धीरे खाना चबा चबा कर खा रहा था। सिद्धेश्वरी भय और आतंक से अपने बेटे को एकटक निहार रही थी। कुछ क्षण बीतने के बाद वो थोड़ा सा डरते डरते धीरे से पूछती है, वहाँ कुछ हुआ है क्या? रामचंद ने अपनी बड़ी बड़ी भावहीन आँखों से अपनी माँ की ओर देखा, फिर नीचा सर के कुछ रुखाई से बोला, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। सिद्धेश्वरी माँ है, बच्चे का दर्द समझ जाती है, फिर भी चुप रह जाती है। रामचंद ने अचानक चुप्पी को भंग करते हुए कहा, प्रमोद खाना खा चुका? सिद्धेश्वरी ने प्रमोद की ओर देखते हुए उदास स्वर में उत्तर दिया, हाँ खा चुका। रामचंद फिर पूछता है, रोया तो नहीं था? सिद्धेश्वरी फिर झूठ बोल जाती है, आज तो सचमुच ही नहीं रोया। वह बड़ा ही होशियार हो गया है, कहता था बड़का भैया के यहाँ जाऊँगा, ऐसा लड़का। पर वह आगे कुछ ना बोल सकी, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया। कल प्रमोद ने रेवड़ी खाने के लिए जिद पकड़ ली थी और उसके लिए 1.5 घंटे तक रोने के बाद सोया था। रामचंद्र ने कुछ आश्चर्य के साथ अपनी माँ की ओर देखा और फिर सिर नीचा करके चुपचाप खाना खाने लगा। थाली में जब रोटी का केवल एक टुकड़ा और बचा रहता है तो सिद्धेश्वरी फिर उससे पूछती है, एक रोटी और लाती हूँ? रामचंद हाथ से मना करते हुए हड़बड़ा कर बोल पड़ा, नहीं नहीं ज़रा भी नहीं, मेरा पेट पहले ही भर चुका है, मैं तो यह भी छोड़ने वाला हूँ, बस अब नहीं। सिद्धेश्वरी ने जिद की, अच्छा आधी ही सही ले लो। रामचंद बिगड़ जाता है, क्या खिला खिला कर मार डालोगी क्या? तुम लोग ज़रा भी नहीं सोचती हो, बस अपनी जिद, भूख रहती तो क्या मैं ले नहीं लेता? सिद्धेश्वरी जहाँ की तहाँ बैठी ही रह जाती है। रामचंद ने थाली में बचे टुकड़े से हाथ खींच लिया और लोटे की ओर देखते हुए कहा, पानी लाओ। सिद्धेश्वरी लोटा लेकर पानी लेने चली गई। रामचंद ने कटोरे को उंगलियों से बजाया, फिर हाथ को थाली में रख लिया। एक दो क्षण बाद रोटी के टुकड़े को धीरे से हाथ से उठाकर आँख से निहारा और अंत में इधर उधर देखने के बाद टुकड़े को मुंह में इस सरलता से रख लिया जैसे वह भोजन का ग्रास ना हो, पान का बीड़ा हो। मझला लड़का मोहन आते ही हाथ पैर धोकर पीढ़े पर बैठ जाता है। वह कुछ सांवला था, उसकी आंखें छोटी हैं, उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे, पर वह अपने भाई की तरह ही दुबला पतला, किंतु उतना लंबा ना था। वह उम्र की अपेक्षा कहीं अधिक गंभीर उदास दिखाई पड़ रहा था। सिद्धेश्वरी ने उसके सामने थाली रखते हुए प्रश्न किया, कहाँ रह गए थे बेटा? भैया पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में। मोहन ने रोटी के एक बड़े टुकड़े को निगलने की कोशिश करते हुए अस्वाभाविक मोटे स्वर में जवाब दिया,
कहीं तो नहीं गया था, यहीं पर तो था। सिद्धेश्वरी वहीं बैठकर पंखा झलती रहती है और ऐसा लगता है कि जैसे स्वप्न में बड़बड़ा रही हो। कहती है, बड़का भैया तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था। मोहन बड़ा दिमागी होगा। मोहन अपनी माँ की ओर देखता है, फीकी हंसी हंस पड़ता है, फिर खाने में जुट जाता है। वह परोसी गई दो रोटियों में से एक रोटी कटोरे की तीन चौथाई दाल और अधिकांश तरकारी साफ कर चुका था। सिद्धेश्वरी के समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। इन दोनों लड़कों से उसे बहुत डर लगता था। अचानक उसकी आंखें भर आईं, वह दूसरी ओर देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने मोहन की ओर मुँह फेरा तो लड़का लगभग खाना समाप्त कर चुका था। सिद्धेश्वरी ने चौंकते हुए, एक रोटी देती हूँ। मोहन ने रसोई की ओर रहस्यमय नेत्रों से देखा, फिर सुस्त स्वर में बोला, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। सिद्धेश्वरी ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं बेटा मेरी कसम थोड़ी सी ले लो, तुम्हारे भैया ने भी एक रोटी ली थी। मोहन ने अपनी माँ की ओर गौर से देखा, फिर धीरे धीरे इस तरह उत्तर दिया जैसे कोई शिक्षक अपनी शिष्य को समझाता है, नहीं रे बस अव्वल तो अब भूख नहीं है, फिर रोटियां भी तूने ऐसी बनाई हैं कि खाई नहीं जाती, ना मालूम कैसी लग रही हैं। खैर अगर तेरा मन है तो तू थोड़ी दाल ही दे दे, दाल बड़ी अच्छी बनाई है। सिद्धेश्वरी से कुछ कहते न बना उसने कटोरी को दाल से भर दिया। मोहन सुड़ सुड़ कर पी गया। मुंशी चंद्रिका प्रसाद जो कि इस कहानी के नायक हैं और सिद्धेश्वरी के पति भी हैं, जूतों की खसखस घसीटते हुए की आवाज़ के साथ राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ जाते हैं। सिद्धेश्वरी ने माथे पर साड़ी को कुछ नीचे खिसका लिया और मोहन दाल को एक सांस में पीकर तथा पानी के लोटे को हाथ में लेकर तेज़ी से बाहर भाग जाता है। दो रोटियां, कटोरी भर दाल, चने की तली तरकारी, मुंशी चंद्रिका प्रसाद पीढ़े पर पालथी मारकर बैठे रोटी का एक एक ग्रास को इस तरह चुबला चुबला कर खा रहे हैं जैसे बूढ़ी गाय जुगाली करती है। उनकी उम्र 45 वर्ष के लगभग होगी किंतु दिखते हैं 50-55 के। शरीर का चमड़ा झूलने लगा था, गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी, गंदी धोती के ऊपर अपेक्षाकृत कुछ साफ बनियाइन तार तार लटक रही थी। मुंशी जी ने कटोरे को हाथ से लेकर दाल को थोड़ा सुड़कते हुए पूछा, बड़का दिखाई नहीं दे रहा है। सिद्धेश्वरी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिल को क्या हो गया है जिसे कुछ काट रहा हो। पंखे को जरा और जोर से घुमाती हुई बोली, अभी अभी खाना खाकर काम पर गया है, कह रहा था कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी। हमेशा बाबूजी किए रहता है, बोला बाबूजी तो देवता के समान है। मुंशी जी के चेहरे पर कुछ चमक आ गई, शर्माते हुए पूछा, ए क्या कहता है कि बाबूजी देवता के समान है, बड़ा पागल है। सिद्धेश्वरी पर जैसे नशा सा चढ़ गया था और बड़बड़ाने लगती है, पागल नहीं है, बहुत होशियार है, उस जमाने का कोई महात्मा है, मोहन तो उसकी बड़ी इज्जत करता है, आज कह रहा था कि भैया की शहर में बड़ी इज्जत होती है, पढ़ने लिखने वालों में बड़ा आदर होता है और बड़का तो छोटे भाइयों पर जान ही देता है, दुनिया में वह सब कुछ सह सकता है पर यह नहीं देख सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए। मुंशी जी हंसकर कहते हैं, बड़के का दिमाग तो खैर काफ़ी तेज़ है, बचपन में भी जब मैं उसे कोई पाठ याद करने को देता था तो उसे बड़ी अच्छी तरह याद करता था। असल बात तो ये है कि तीनों लड़के ही हमारे काफ़ी होशियार हैं, प्रमोद को कम समझती हो, यह कहकर वह अचानक जोर से हंस पड़ते हैं। मुंशी जी डेढ़ रोटी खा चुकने के बाद एक ग्रास से युद्ध कर रहे थे, कठिनाई होने पर एक ग्लास पानी पी गए, फिर खरखर खांस कर खाने लगे, फिर चुप्पी छा जाती है। दूर से किसी आटे की चक्की की आवाज़ आ रही है, पास के नीम के पेड़ पर बैठा कोई पंडुक लगातार बोल रहा था। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे क्या जाने, वह सभी चीज़ें ठीक से जान ले, दुनिया की हर चीज़ पर पहले की तरह धड़ल्ले से बात कर ले, पर उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी। उसके दिल में न जाने कैसा भय समाया हुआ था। अब मुंशी जी
इस तरह चुपचाप दुबके हुए खा रहे थे जैसे पिछले 2 दिनों से मौन व्रत धारण कर रखा हो। उसको कहीं जाकर आज शाम को तोड़ने वाले हूँ। सिद्धेश्वरी से जैसे नहीं रहा गया बोली, मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी। मुंशी जी ने एक क्षण के लिए इधर उधर देखा, फिर निर्विकार स्वर में राय दी, मक्खियाँ बहुत हो गई हैं। सिद्धेश्वरी ने उत्सुकता प्रकट की, फूफा जी बीमार हैं, कोई समाचार नहीं आया? मुंशी जी ने सूचना दी, गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई है, लड़का एमए पास है। सिद्धेश्वरी हठात चुप हो गई। मुंशी जी आगे कुछ नहीं बोले, उनका खाना समाप्त हो गया था, वे थाली में बचे खुचे दानों को बंदर की तरह बीन रहे थे। सिद्धेश्वरी ने पूछा, बड़कू की कसम एक रोटी देती हूँ, अभी बहुत सी है। मुंशी जी ने पत्नी की ओर अपराधी के समान तथा रसोई की ओर कनखी से देखा, रहस्यमय दृष्टि से। तत्ते पश्चात किसी छठे उस्ताद की भांति बोले, रोटी रहने दो, पेट काफ़ी भर चुका है, अन्न और नमकीन चीज़ों से तबीयत अब ऊब सी गई है, तुम्हें व्यर्थ में कसम धरा दी। खैर, कसम रखने के लिए ले रहा हूँ, गुड़ होगा क्या? सिद्धेश्वरी ने बताया कि हंडिया में थोड़ा सा गुड़ है। मुंशी जी ने उत्साह के साथ कहा, तो थोड़े गुड़ का ठंडा रस बनाओ, पीऊँगा। तुम्हारी कसम भी रह जाएगी, जायका भी बदल जाएगा, साथ ही साथ हाजमा भी दुरुस्त हो जाएगा। हाँ, रोटी खाते खाते नाक में दम आ गया है, ये कहकर वे एक ठहाका लगाकर हंस पड़ते हैं। मुंशी जी से निपटने के पश्चात सिद्धेश्वरी उनकी जूठी ही थाली को लेकर चौके में जमीन पर बैठ जाती है, बटलोई की दाल को कटोरे में उड़ेल लेती है, पर वह पूरा भरा नहीं, छिपुले में थोड़ी सी चने की तरकारी बची हुई थी, पास ही खींच लेती है। रोटियों की थाली को भी उसने पास खींच लिया, उसमें केवल एक रोटी बची थी, मोटी भद्दी और जली हुई। वह उस रोटी को जूठी थाली में रखने ही जा रही थी कि अचानक उसका ध्यान प्रमोद की ओर जाता है। उसने लड़के को कुछ देर तक एकटक देखा, फिर रोटी के 2 बराबर टुकड़ों में विभाजित कर दिया। एक टुकड़े को तो अलग रख दिया और दूसरे टुकड़े को अपनी उस जूठी थाली में रख लिया और एक लोटा पानी लेकर खाने बैठ जाती है। उसने पहला निवाला ही मुँह में डाला था, तब ना मालूम कहाँ से उसकी आँखों से टप टप आंसू टपकने लगते हैं। सारा घर मक्खियों से भनभना रहा है। आंगन की अलगनी में एक गंदी साड़ी टंगी हुई है जिसमें पैबंद लगे हुए हैं। दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं था। बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह होकर निश्चिंता के साथ सो रहे थे, जैसे 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से उनकी छटनी ना हुई हो, शाम को उनको काम की तलाश में कहीं जाना ना हो। कैसी व्यथा, कैसा दर्द! इस कहानी में लेखक ने बड़ी ही सुंदरता से घर की आर्थिक स्थिति का परिचय दिया है। हर व्यक्ति अपने आप में व्यस्त है, फिर भी घर की परिस्थिति से परिचित है। एक दूसरे के लिए सम्मान है, एक दूसरे के लिए प्यार है। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपके सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।